नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्या कारण है कि एक बाप और एक बेटा यानी कि फादर और सन पहले बहुत अच्छे से रहते थे लेकिन अब उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई है? क्या कारण है कि आपको दादा दादी का सुख नहीं मिल पा रहा है? ऐसा क्या कारण है कि पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ते थे लेकिन अब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी पहले दुकानदारी या आपका व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा था लेकिन अचानक वो आपका दुकान या व्यवसाय जो है वो कम होता जा रहा है और बल्कि खत्म होने की स्थिति पर आ गए? ऐसा क्या कारण है कि आपको पहले तो जहाँ पर आप काम करते थे यानी जो कार्यस्थल आपका है वहाँ पर आपको खूब इज्जत मिलती थी, खूब सम्मान मिलता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही? आप किसी और को आपका सम्मान मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, जबकि काम आप उतना ही कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी वजह है जिनका जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है सूर्य का कमजोर होना। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ 100% घटेगी। तो मैं आपको बिना कुंडली के देखे यानी कि हम कुंडली नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ आदतों के ऊपर यानी जो आपकी हैबिट्स हैं उनके ऊपर या आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटेगी उनके आधार पर आपको बताऊंगा कि आपका सूर्य कमजोर है और आपको समय रहते हुए इसका उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपने समय रहते हुए इनका उपचार नहीं किया, इसका उपाय नहीं किया, सूर्य को मजबूत नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप आ सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ। तो इसलिए आप इसको इस वीडियो को देखिए आखिरी तक। मैं जितने भी संकेत जितने भी लक्षण आपको बताता हूँ अगर उनमें से 10% लक्षण भी आपके जीवन में घटित हो रहे हो तो प्लीज़ 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 आप ये उपाय कर लीजिए जो मैं बताऊंगा आगे चल के। अगर वो उपाय नहीं किए या सूर्य को आपने किसी तरह से मजबूत नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। फंस सकते नहीं, फंसेंगे ही। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आएगी आएगी अगर आपने ये उपाय को या समय रहते इस सूर्य को ठीक नहीं किया तो। तो मैं आपको आज क्या करूँगा, पहले तो कुछ जो कम से कम 15 से 20 ऐसे लक्षण हैं जो अपनी ज़िंदगी पे घटित होते हैं अगर सूर्य खराब होता है तो। आप देख लीजिए कि क्या इनमें से कोई चीज़ आपके ऊपर घटित हो रही है, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सूर्य की कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ भी अगर आपके साथ घटित हो रहा है तो मैं कुछ उपाय बताऊँगा, आप उन उपायों में से कुछ कर लीजिए या किसी और से उपाय पूछ लीजिए अगर मेरे उपाय ठीक नहीं लग रहे हैं आपको तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमारे व्यवहार में और हमारे आसपास हमारी आदतों में दिखेंगे जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा सूर्य कमजोर हो चुका है, उसको ठीक करने का समय आ गया है। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसको आसानी से देख सकें। सबसे पहले तो ये कि आपके चेहरे का जो ग्लो है वो डल हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। दूसरा, आपको झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। पहले आप नहीं बोलते थे लेकिन अब आप बात बात पे झूठ बोलेंगे। आपको कर्ज लेने की आदत पड़ जाएगी। पहले आप कम में भी काम चला लेते थे, थोड़े कम पैसे होते थे तो भी आपका काम चल जाता था लेकिन अब जरा सा भी पैसे की कोई तंगी आई आपने कर्ज ले लिया उठा के, यानी कर्ज लेने की आपको आदत पड़ जाएगी। आपके मान सम्मान में कमी आएगी जहाँ पर आप काम करते यानी जो आपका कार्यस्थल है हैं, जो वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पर आपकी जो इज्जत है मान सम्मान है उसमें कमी आएगी। पहले आप अच्छी खासी आपकी इज्जत थी वहाँ पर लेकिन अब अचानक पता नहीं क्या हो गया आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था, वही सम्मान किसी और को मिल रहा है, चाहे वो काबिल हो नहीं हो लेकिन उसको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। आपकी प्रतिष्ठा पे यानी आपकी इज्जत पे अचानक दाग लगना शुरू हो जाएंगे, लोग आप पे शक करने लगेंगे। अचानक आपकी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी और ख़ासकर राइट आई, जो आपकी राइट आई है उससे दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी। आपके मुंह में थूक ज़्यादा बनने लगेगा, बात बात पे बोलते बोलते आपको थूक आएगा और साथ में ये जो दोनों हिस्से हैं यहाँ पे थूक जमने भी लगेगा, लोगों को दिखेगा जब आप बोलेंगे, अगर ज़्यादा देर तक बोलेंगे तो थूक यहाँ पे आने लगेगा। समझ लीजिए कि सूर्य की कमजोरी शुरू हो चुकी है। आपको नमक खाने की आदत पड़ जाएगी, वो भी ज़्यादा, पहले कम खाते थे या पहले जो सामान्य खाते थे वैसे ही, लेकिन जैसी सूर्य की कमजोरी शुरू होगी आप नमक खाना ज़्यादा शुरू कर देंगे। आपका वैवाहिक जीवन अचानक गड़बड़ होने लगेगा, मतलब अच्छा खासा आपका मैरिड लाइफ चल रही थी लेकिन कुछ दिनों से या कुछ समय से आपकी वैवाहिक जीवन में बात बात पर लड़ाई होने लगी है। दादा दादी का प्यार आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है या तो आप उनसे दूर चल जाए या वो आपसे दूर चल जाए या आपके बीच में मनमुटाव कुछ हो जाए तो आपको दादा दादी का प्यार नहीं मिलेगा। रिश्तेदार आपसे दूर भागने लगेंगे,
रिश्तेदार आपके घर आना पसंद नहीं करेंगे, दूसरी बात आएंगे आपका खाएंगे और बाहर जाके आप ही की बुराई करेंगे, जबकि आपने अच्छे से उनको रखा है, सब खिलाया पिलाया है, लेकिन खाएंगे आपका घर का और बाहर जाके आप ही की बुराई करेंगे। घर के सामने का जो रोड है, जो रोड है आपके घर के जस्ट सामने, उसमें अचानक गड्ढा पड़ जाएगा। आपके घर का जो मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अचानक टूट जाएगा। कितना भी टूटे लेकिन टूट जाए, एक ईंट ही निकल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आ जाएगी। घर में सीड़न और सीड़न से होने वाली बदबू बनी रहेगी। आपके मकान में अच्छी खासी सूर्य की रोशनी आती थी, लेकिन अब सूर्य की रोशनी बाधित हो जाएगी, सूर्य की रोशनी आएगी नहीं। हो सकता है आज वो जो घर बन जाए, कुछ भी कारण हो, लेकिन सूर्य की रोशनी आना बंद हो जाएगी। पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगेगा। यह हो सकता है आपके पिता ना रहे, यह हो सकता है कि आपके पिता के साथ बने नहीं, मतलब बने मतलब आपके पिता के पिताजी के साथ पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब लड़ाई होने लगी। इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपका स्वभाव घमंडी हो जाएगा, आपको ईगोइस्टिक हो जाएंगे, आप खुद ही की तारीफ करने लगेंगे, दूसरों की तारीफ सुनना पसंद नहीं करेंगे और हर बात पे कोई भी कुछ बात निकालेगी अपनी तारीफ शुरू कर देंगे। तो ये कुछ संकेत है जो प्रकृति या फिर वो ग्रह हमको देते हैं। अगर हम इन संकेतों से समझ जाएं कि मेरा पर्टिकुलर ग्रह खराब है या पर्टिकुलर ग्रह वीक हो चुका है, अगर आप ये समझ जाते हैं और समय रहते हुए कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप आसानी से बच सकते हैं। तो फटाफट आप उपाय नोट कर लीजिए, उस उपाय के थ्रू आप आसानी से अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं और इन सारी प्रॉब्लम से, जितनी भी प्रॉब्लम मैंने बताई थी, उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। पहला उपाय, रविवार के दिन आप अपने वजन के बराबर गेहूं चलते हुए पानी में यानी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। दूसरा उपाय, रविवार के दिन आप बहते हुए पानी में कुछ गुड़ प्रवाहित कर दीजिए, गुड़ कितना भी आप कर सकते हैं। रविवार के दिन आप अपने वजन का दसवां हिस्सा, अपने वजन का दसवां हिस्सा तरबूज लेकर आप दान कर दीजिए। सपोज करिए आपका वजन 60 kg है, तो 6 kg का तरबूज लेकर आप दान करिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 6 kg चाहिए, आप 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने वजन का दसवां हिस्सा तरबूज आप दान कर सकते हैं। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू करिए, या तो आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रविवार के दिन तो जरूर करें। और ये आदित्य हृदय का जो पाठ है वो 3 बार में होता है, 3 बार ही करें आप, 1 बार नहीं करें आप, क्योंकि संडे के दिन वैसे भी टाइम होता है सभी के पास। तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार पाठ करेंगे रविवार के दिन, डेली कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने पिता के साथ संबंध को सुधारें, नमक खाना रविवार के दिन बिल्कुल बंद कर दें, काली इलायची का प्रयोग करें, 1, 2 या 3 जितनी भी आप खा सकें काली इलायची डेली खाया करिए। सौंफ और मिश्री घर में आने वाले सभी लोगों को, चाहे वो मेहमान हो या कोई भी हो, सभी को दिया करें। और ध्यान रखें कि जिस बर्तन में आप दे रहे हैं वो बर्तन या तो तांबे का हो या चांदी का हो। पानी पीने के लिए आप कांच के गिलास का प्रयोग बिल्कुल ना करें, वैसे अगर आपको पानी पीना है तो आप चांदी के गिलास में या फिर तांबे के गिलास में पीजिए। सफ़ेद रंग और सफ़ेद फूल का प्रयोग करें, यानी कि आप पहनने में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहने और पूजन करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद फूल का प्रयोग करें। तो ये तो हो गए कुछ ज्योतिष उपाय। अब मैं आपको बताता हूँ दान, कि कौन सी चीज़ का दान करने से आप जल्दी से जल्दी सूर्य को ठीक कर सकते हैं। तो 1.25 पाव गेहूं, पाव मतलब होता है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में 1.25 और लगा लीजिएगा, तो 1.25 पाव गेहूं, उसके ऊपर कुछ गुड़ रखकर दान कर दे। और दान नहीं करें तो आप किसी गाय को गौशाला में जाके गाय को खिलाएं। मैं आपको बताता हूँ मंत्र, कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा आप आसानी से अपने सूर्य की स्थिति को ठीक कर सकते हैं, सूर्य को शुभ कर सकते हैं। तो सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का अगर आप 7000 बार जाप करते हैं तो आपका जो सूर्य है वो जल्दी से जल्दी शुभ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और ये जो तमाम परेशानी है उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने अगले जो एपिसोड है उसमें देखेंगे कि चंद्र की स्थिति, यानी चंद्र अगर ख़राब हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उससे क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।